तक चीना में 2000 से ज़्यादा लोगों की मरने जाने की खबर रही है जो कोरोना वायरस से मर गए हैं, और पूरी दुनिया में 71,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस का शिकार बन गए हैं। और डॉक्टर ली वैंग लिंग ने लोगों की सहायता करके अपनी जान भी गंवा दी है, जो एक मशहूर डॉक्टर थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे तीसरे वीडियो के साथ, जिसका नाम है कोरोना वायरस एंड हाउ टू बी सेफ फ्रॉम इट। चमगादड़ से शुरू हुआ है और वह 96% जेनेटिकली आइडेंटिकल है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन दबाएं। और यह वायरस 80% जेनेटिक सीक्वेंस से आज से भी मिलता है, जो चीना में 2002 और 2003 में हुआ था, जो 800 लोगों की जान ले गया था पूरी दुनिया में। ये खतरनाक कोरोना वायरस जानवरों से इंसान में गया था। ये कैसे गया था अभी तक ये मिस्ट्री है, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं और मानते हैं कि ये वायरस चीना के ओपन एयर मार्केट से लिंक्ड है। इसके लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं दो दुश्मन, यानी डोनाल्ड ट्रंप और चीन के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। अपनी आपस की लड़ाई छोड़ के लोगों के बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हैं। पहली बार 7/2/2020 फ्राइडे के दिन दो लोगों के बीच में बात ही हुई थी, और चीना के प्रेसिडेंट के अपने कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वर्ल्ड इमरजेंसी की भी घोषणा की थी। इंडिया में तो ये अपना पूरा असली रंग नहीं दिखा पाया, लेकिन केरला में एक पेशेंट है जो युहान में एक स्टूडेंट था, और कुछ इधर उधर भी कुछ पेशेंट है। टोटल तो कम ही है इंडिया में। मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं। जैसे कि कुछ दिनों तक आपको बुखार है, तो अब जल्दी से अच्छे से हॉस्पिटल चले जाएँ, या रनिंग नोज, हेडेक, सर दर्द, खांसी, और आपको बहुत खतरनाक बुखार है तो आपकी वो जान भी ले जा सकती है। जिन लोगों के शरीर में इम्यूनो सिस्टम कम है या वीक है, वो लोग को ये वायरस जल्दी से हानि पहुंचा जा सकता है। क्या आप कोई वेट मार्केट, मतलब जानवरों की मार्केट में काम करते हैं, तो आप फ्रिक्वेंटली आपके हाथ साबुन से और पानी से धोइए। और अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है जैसे कि कुत्ता, बिल्ली और आदि आपके साथ रहता है, तो आप उसको छूते ही आप अपने हाथ धो लीजिए। और आपको फीवर, बुखार, कफ या खांसी जैसे अधिक बीमारी है, तो आप कृपया करके ट्रैवल ना करिए। अगर आपको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, तो आप तुरंत से अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए। और आप अपने घर पहुंचने के बाद आप अपने कपड़े बदल दीजिएगा। अगर आपको नॉनवेज खाने का बहुत शौक है, तो आप कृपया करके बाहर ना खाइए, घर में खुद पका के अच्छे से बॉईल कीजिएगा और अच्छे से पकाइएगा। और अगर आपको खांसी है, तो आप अपने मास्क पहन लीजिएगा, और बार बार आप अपना टिश्यू पेपर चेंज करिएगा और डस्टबिन में डालिए। आते वक्त लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो अपने कमेंट पर। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। आते वक्त लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो अपने कमेंट पर।